एक तरफ जहां चेन्नई के मरीना एयरफील्ड में हुए एयर शो को देखने की चर्चा अपने अदम्य साहस को लेकर काफी तेज है, तो वहीं अब इसका दूसरा रूप भी सामने आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय वायुसेना का एयर शो देखने गए 5 दर्शकों की रविवार को दर्दनाक मौत हो गई है। लोगों को डिहाइड्रेशन और अन्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। बता दें कि चेन्नई के मरीना बीच पर एयर शो के कारण राज्य की राजधानी में अफरा तफरी मच गई, जिससे लाखों लोग सड़कों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर फंस गए। बता दें कि लाइट हाउस मेट्रो स्टेशन और वोलाचेरी में चेन्नई MRTS रेलवे स्टेशन है, जो मरीना के पास चिंता द्रिपेट को जोड़ने वाला सबसे नज़दीकी जंक्शन है, जिस पर ही लोगों की भीड़ काफ़ी जुड़ गई थी। चेन्नई के मरीना एयरफील्ड में हुए एयर शो के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर शो के दौरान दब घुटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा खबरों के अनुसार और भी हो सकता है, जबकि 100 से ज़्यादा लोगों की गर्मी के चलते तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक व्यक्ति की मौत हीट स्ट्रोक के चलते हुई है। अपनी वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय वायुसेना ने आज तमिलनाडु के चेन्नई मरीना एयरफील्ड में एक एयर एडवेंचर शो का आयोजन किया था। 21 सालों में पहली बार चेन्नई ने वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी की। उमस भरी गर्मी के बीच हजारों की संख्या में लोग एयर शो देखने वहां पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने राफेल सहित भारतीय वायुसेना के नए विमानों के अद्भुत कर्तव्य देखे, अदम्य साहस देखे। तो वहीं दोपहर को शो खत्म होने के बाद मरीना एयरफील्ड से भारी भीड़ निकली। इसके चलते सड़कें, मेट्रो और रेलवे स्टेशन खचाखच भरते हुए नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरीना एयरफील्ड पर एयर शो के दौरान ही एक महिला की हालत बिगड़ी। महिला को भीड़ के बीच एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा भारी भीड़ और गर्मी के कारण लोगों के बेहोश होने और अस्पताल ले जाने की सूचना मिली। करीब 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह 11 बजे से पहले ही उत्साहित लोग मरीना बीच पर जमा हो गए थे। इसमें से कई ने छाते से खुद को चिलचिलाती धूप से बचने की कोशिश की। एयर शो की शुरुआत भारतीय वायुसेना के विशेष गरुड़ बल के कमांडो द्वारा एक कृत्रिम बचाव अभियान और बंधक को मुक्त कराने में अपने साहसिक कौशल का प्रदर्शन करके हुई। एयर शो के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर AIADMK के नेता एडप्पाडी के पल्लानी स्वामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय वायुसेना के 92वीं वर्षगांठ पर चेन्नई में एयर शो का आयोजन किया गया। इससे पहले ही अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई थी। तमिलनाडु सरकार ने बताया कि एयर शो को देखने लाखों लोग आएंगे, इसलिए परिवहन और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, मगर कार्यक्रम में प्रशासनिक व्यवस्था और यातायात को ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया। पुलिस बल भी अपर्याप्त था। उन्होंने लिखा कि लोग भारी ट्रैफिक में फंसे, लोगों को पानी की उपलब्धता नहीं मिली, वहीं लू लगने के कारण कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने दावा किया है कि एयर शो में 5 लोगों की मौत हुई है। इससे मुझे दुख हुआ है, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहन संवेदना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण आयोजन में भी उचित समन्वय स्थापित करने में विफल रहने के लिए मैं DMK सरकार की कड़ी निंदा करता हूं। वायुसेना के भारत के विभिन्न शहरों में अब तक कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में हुई इस घटना में जानमाल की हानि बहुत दुखद है। इस आयोजन के लिए उचित सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए MK स्टालिन सरकार की मैं कड़ी निंदा करता हूं। बहरहाल इस घटना के बाद से ही मामले की चर्चा पूरे देश में है। लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है और इलाज चल रहा है। वहीं जिन्होंने दम तोड़ा है उनका पोस्टमार्टम और अग्रिम कार्रवाई में डॉक्टर जुटे हुए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।